हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केरकोस। गाइस, आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट के विजुअल पार्ट्स के बारे में, यानी कि एयरक्राफ्ट के बाहरी पार्ट्स के बारे में जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। गाइस, ये पार्ट्स के नेम आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है, तो आपको पूरे पार्ट्स नेम जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसका एयरप्लेन नेम है वो हम यूएस में बोलते हैं और एरोप्लेन नेम हमारा जो यूके में बोलते हैं। गाइज, हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आपका पार्ट आता है विंग। विंग का काम क्या होता है? गाइज, विंग का काम होता है आपका लिफ्ट जनरेट करने में, यानी कि एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने में ये काम करता है और एयरक्राफ्ट को हवा में होल्ड करने का भी काम करता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसा कौन सा पार्ट का नेम है जो एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने में काम आता है, गाइज, उसको आप जो है विंग बोल सकते हो। ठीक है, अगेन हम बात करेंगे जेट इंजन के बारे में। ठीक है, जेट इंजन क्या काम करता है? जेट इंजन एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि उसका फॉरवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, वो आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है गाइस, जेट इंजन का ये काम है। अब बात करते हैं कॉकपिट्स के बारे में कि कॉकपिट जो है उसका काम क्या है। कॉकपिट में पायलट बैठते हैं। ठीक है, पायलट वहां से पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है गाइस, पायलट के कंट्रोल रूम को हम बोलते हैं कॉकपिट यहाँ पे। ठीक है, अगेन बात करेंगे फ्यूजलाज। फ्यूजलाज क्या है गाइज? फ्यूजलाज एक बॉडी है एयरक्राफ्ट की जो उसके पार्ट्स को होल्ड करके रखता है, लाइक आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एलिवेटर्स, रडार, वर्टिकल स्टेबलाइजर, आपका विंग जो है और आपके इंजन और आपके जो व्हील्स है उनको जो है फ्यूजलाज अपनी बॉडी से अटैच करके रखता है। ठीक है गाइज, ये बॉडी पार्ट्स को होल्ड करके रखता है, आप ऐसे बोल सको। अब बात करते हैं स्लॉट्स की। स्लॉट का काम क्या है? गाइज, स्लॉट्स विंग के लीडिंग एज पर होते हैं। इसका काम है विंग के एरिया को इंक्रीज करता है और एयरक्राफ्ट को हाई लिफ्ट मिलती है। ठीक है, लो स्पीड में भी एयरक्राफ्ट को हाई लिफ्ट मिलती है। ठीक है, ये काम आपका स्लॉट्स का है। अगेन बात करेंगे स्पॉइलर। स्पॉइलर को हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये एयर ब्रेक के काम आता है, यानी कि स्पीड को रिड्यूस करने में काम आता है। अगर एयरक्राफ्ट एयर में हाई स्पीड से जा रहा है तो स्पॉइलर ऑन करने से स्पॉइलर जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है और एयर इंटरैक्ट करती है। इससे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होती है, यानी कि एयर में स्पॉइलर क्या है, एयरक्राफ्ट के ब्रेक का काम करते हैं। नॉर्मली हम इस चीज को बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। ठीक है, ये आपके स्पीड ब्रेक का काम करते हैं। अगेन बात करेंगे एलिरोन। एलिरोन आपका क्या काम करते हैं? ये आपके एयरक्राफ्ट के विंग पर लगे होते हैं। एलिरोन काम करते हैं आपके रोलिंग के टाइम, मतलब एयरक्राफ्ट को रोल कराते हैं। रोल का मतलब एयरक्राफ्ट ऐसे है तो ऐसे कराते हैं, ऐसे मतलब एक फ्लो में रोल कराते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगेन बात करेंगे फ्लैप के बारे में। फ्लैप क्या काम करता है? फ्लैप भी एयरक्राफ्ट की जो विंग पर होते हैं वो आपके ट्रेलिंग एज पर होते हैं, यानी विंग के लास्ट साइड होते हैं, मतलब पिछले हिस्से में होते हैं। ठीक है, और ये काम करते हैं आपके विंग का स्पेस इंक्रीज करते हैं। ये आपके हाई लिफ्ट डिवाइस भी है, यानी एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने में भी मदद करता है लो स्पीड में आपकी, और एयरक्राफ्ट को ड्रैग भी क्रिएट करता है, यानी कि ड्रैग मतलब एयरक्राफ्ट को रोकने का भी काम करता है। अब बात करते हैं एलिवेटर्स। एलिवेटर्स क्या काम करता है? एलिवेटर्स काम करते हैं, ये आपके एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ होते हैं, यानी एयरक्राफ्ट के ट्रेलिंग एज पर होते हैं। ये जो आपके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे आपके अटैच रहते हैं, यानी कि वहां पे अटैच रहते हैं, इससे कि नोज अप एंड डाउन होती है। ठीक है, पीछे की तरफ होते हैं जिससे कि नोज आपकी अप एंड डाउन होती है। ठीक है, ये आपका एलिवेटर्स का काम है। अब बात करते हैं रडर की। रडर यहाँ पे क्या काम करता है? रडर काम करता है आपका एयरक्राफ्ट को लेफ्ट और राइट टर्न करने में। ठीक है, ये नॉर्मली आपके एयरक्राफ्ट के, ये भी आपके ट्रेलिंग एज पे होता है, बट ये आपके जो है वर्टिकल स्टेबलाइजर से अटैच रहते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है आपकी जो है बैलेंस मेंटेन करता है। एयरक्राफ्ट को अगर हल्का सा ऐसे हो रहा है, लेफ्ट और राइट हो रहा है, तो उसका बैलेंस मेंटेन करता है। और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर काम क्या करता है? हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर काम करता है अगर एयरक्राफ्ट हल्का सा डिसबैलेंस हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा, तो वहां पे जो है ये बैलेंस मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है ये एयरक्राफ्ट का। अब बात करें रडोम। रडोम होता है आपके नोज पे, जहां पे आपके जो एंटीनाज लगे रहते हैं, आपके जो रडर्स रडार लगा रहता है, तो वहां पे। अब बात करते हैं विंगलेट की। विंगलेट जो आपके विंग्स पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा रहता है वो होता है आपका विंगलेट। विंगलेट का काम यह है कि जो है एयरक्राफ्ट को टर्बुलेंस से बचाता है। ठीक है, ये आपके सारे एयरक्राफ्ट के पार्ट के नाम और उनके काम। गाइज, अगर कुछ क्वेश्चन में आता है आप इजिली बता सकते हो। आज के लिए थैंक यू गाइज। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज, बाय बाय।